आज शाम तक तेरी अम्मी मर जाएगी। क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरी अम्मी नहीं मरनी चाहिए, नहीं मेरी अम्मी नहीं मरनी चाहिए, मेरी अम्मी को बचा लो, या मेरे परवरदिगार, या मेरे मौला, मेरी अम्मी को बचा लो। मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी कष्ट, कुछ भी तकलीफ सह सकता हूँ, लेकिन अपनी अम्मी को नहीं मरने दूंगा। तुम्हें कष्ट सहने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी अम्मी बच सकती है। क्या? मेरी अम्मी बच सकती है, मगर कैसे? तुम्हारी अम्मी को बचाने का उपाय है, अगर तुम वो उपाय करो तो तुम्हारी अम्मी कभी नहीं मरेंगी। हाँ, हाँ क्या उपाय है, मगर कौन है, तुम बोलो, मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें अपनी अम्मी की जान बचानी है तो तुम्हें झूठ बोलना होगा। ठीक है मैं झूठ बोलूंगा, हर कीमत पर झूठ बोलूंगा, चाहे मुझे कितनी तकलीफ सहनी पड़े, कितने भी कष्ट सहने पड़े, कितने भी जुल्म सहने पड़े, अपनी अम्मी की जान बचाने के लिए झूठ बोलूंगा, अपनी अम्मी को नहीं मरने दूंगा, अपनी अम्मी को बचाऊंगा मैं। हाँ रुखसाना, आ गए तेरे अब्बू? नहीं तो अम्मी, क्या बात हो गई? और आप इतने गुस्से में क्यों हो? अरे गुस्से में क्यों ना हूँ, जो कभी जवानी में ना सुना वो बुढ़ापे में सुनना पड़ रहा है। कुछ हुआ भी है या वैसे अब्बू पे इल्जाम लगाती जा रही हो? हाँ हाँ लगा रही हूँ इल्जाम, तू बहुत हिमायत ले उसकी, डॉक्टर जाकिर की बहू से गाली दे रही थी। क्यों दे रही थी गाली, पूछते तो सही। मैं पूछती उससे, वो कह रही थी जलालुद्दीन मेरे कमरे में घुसा और छेड़ रहा था मुझे। या अल्लाह रहम कर। अम्मी आपको शर्म नहीं आ रही अब्बू के बारे में ऐसी बातें करते हुए? हाँ हाँ अच्छी अच्छी बातें तू ही कर, कर दूंगी उसे मैं आज। अच्छा अरे रुखसाना बेटी, कुछ रोटी सोटी पकाई हो तो तुम मुझे लाके दे, मैं खा के काम पे जाऊँ। यहाँ ना है रोटी और इस घर में आने की जरूरत भी ना है, बड़े उससे कह रहा है रुखसाना बेटी रोटी पक गई क्या, जैसे बड़ा सीधा है। अबे क्या बात होगी, बड़ा उबाल से मेरी। उबाल की तो पता चल जाएगी जब गांव वाले लठ लेके आएंगे, वो डॉक्टर की बहू रो रही थी, तुमने उसके साथ बदतमीजी की है। अब्बू ये काम आपके लायक नहीं था। अरे तू भी कहने लगी रुखसाना बेटी, मैं तो उस रास्ते से गुजरा भी नहीं, लेकिन हाँ एक आवाज तो सुनी थी मैंने गांव में कि डॉक्टर जाकिर की बहू को जलालुद्दीन ने कुछ कह दिया। आपने कहाँ सुन ली आवाज? अरे बेटा वो नूरा कह रहा था और मैंने सुन लिया। जलालुद्दीन ये बुढ़ापे में अय्याशी हम कराएंगे। ठहराओ चपड़गंजू, मेरे अब्बू का पल्लट उठा रहे हो, वो भी शेख चिल्ली के घर में मेरे अब्बू का पीट रहे हो, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, क्या हुआ? अरे शेख जी गांव में तो तुमने भी सुना होगा कि तुम्हारे अब्बू ने डॉक्टर की बीवी छेड़ दी, सुना है ना? सुना। ठीक है हम तेरे बेटे के ऊपर छोड़ देते हैं, सोच ले। हाथ हटाओ और मेरी सुनो। अरे हम न सुनते तेरी, ये फैसला तेरे बेटे पे छोड़ दिया, वो करेगा फैसला। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है लफड़े का, अगर मैं सच बोला तो अम्मी मर जाएगी, इसलिए झूठ बोलता हूँ, चाहे अब्बू का ये नाश खा दो। अरे बेटा जल्दी बोल दे जो सच है, बता दे इन्हें। बोल बेटे बोल, क्या हुआ था, सच बोल, जो हुआ था सच बता दे। अजी बोलो जी बोलो, चुप क्यों हो, अगर तुमने कुछ देखा है तो सच बता दो। हाँ क्या बोल दूं, कि मेरे अपने डॉक्टर की घरवाली को नहीं छेड़ा, मैंने खुद कमरे में से निकलता देखा। हाँ मैं बताता हूँ, वो मेरा बाप जलालुद्दीन ही था। अब्बू तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। सुन लिया जलालुद्दीन, मारो सालो। उठ जा वरना फिर बुला लूंगा उन्हें। चलो अय्याशी करेगा बुढ़ापे में, बुढ़ा अय्याशी करेगा, बैठ जा बुढ़ापे में अय्याशी करेगा। अब वो क्या फड़क फड़क कर रहा? अब तो सबर आ गया, सारे गांव के सामने नाक कटवा दी।
मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा था अम्मी कि अब्बू ऐसा भी कर सकते हैं। शेख जी तुमने सच बोल के अच्छा किया, कम से कम आज के बाद कभी ऐसा करेंगे तो नहीं। रुखसाना, जो मैंने देखा था बतला दिया। अब्बू तू मुझे कितना ही मार ले, कितना ही पीट ले, मुझे कोई मलाल नहीं है और ना मुझे कोई दुख, क्योंकि तेरी सच्चाई को तो मैं जानू ना, ये क्या जान है? अब तो पूरा गांव जान गया, अब चुप करके चारपाई पे लेटो। रुखसाना मेरे चोटी लग गई, मुझे डॉक्टर के से दवाई ला दे रुखसाना। निकलो यहाँ से, दिमाग खराब कर रखा है। ठीक है जा रहा हूँ। हाय मेरा बच्चा, उठ, बैठ यहाँ, बैठ तू यहाँ, मैं तेरे लिए दवाई लेके आती हूँ। रुखसाना मेरी बच्ची, जरा तू पानी गर्म करके इसकी सिकाई तो कर दे, मैं अभी दवा लेके आती हूँ। मेरे लाल रोई हो नहीं, मैं अभी दवाई लेके आ रही हूँ। हाय हाय जानू, क्या रे डार्लिंग? क्या कहा? बदतमीज, शर्म नहीं आती तुझे? आती जाती औरतों को छेड़ता है। ओए ओए, पहली बार इतना गुस्सा देखा हूँ किसी में, उस पे तो मेरा दिल आ गया जानू, खुदा की कसम। छोड़ मेरा हाथ, लफंगा कहीं का, चल परे हट। तुझे पता नहीं है मैं किसकी बीवी हूँ? डॉक्टर की बीवी हूँ, अगर उन्हें पता चल गया तो तुझे जान से मार देंगे। ठीक है चल, तू अपने घर ही चल जानू, तेरे घर ही आ रहा हूँ मैं तेरे पीछे। हाँ हाँ आ जा, तेरी हड्डी पसली ना तोड़वा दी तो मेरा नाम रूबी नहीं है। चल तेरे घर ही आ रहा हूँ मैं, चल। आप यहाँ घर पे पड़े रहते हो और दवाई लेने भेज देते हो मुझे, मैं न लाने की हूँ किसी की दवाई ववाई। क्या हुआ रूबी, कैसे मूड खराब है? मूड तो खराब होगा ही, आज एक लफंगे ने मुझे छेड़ दिया और कोई भी नहीं बोला कुछ। क्या तू जानती है उसे, कौन था? अरे मैं नहीं जानती उस हरामजादे को, पता नहीं कौन था, सड़क पे मिला था मुझे। उसका हुलिया कैसा था? का हुलिया, छोटी सी दाढ़ी थी और टोपी पहनी हुई थी और एक निक्कर पहना हुआ था उसने। तो चिंता मत कर, मैं अभी जा रहा हूँ। आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो कह रहा था मैं खुद तुम्हारे घर आ रहा हूँ। यहाँ आ गया तो जिंदा नहीं जाएगा वो। हाय डॉक्टर साहब, मार दिया मुझे, दर्द की दवाई दे दो। अजी हमने कौन मार दिया? अरे मेरे लौंडे को मार दिया उसके बापू ने, उसके चोट लग गई, उसके दर्द की दवाई दे दो। दवाई तो जी मरीज को देख के देंगे, अपने लौंडे को भेज दे यहीं पे। अच्छा ठीक है, फिर मैं उसे भेजती हूँ। मैं तुझे जा रही हूँ अंदर, मुझे तो डर लग रहा है वो आने ही वाला होगा। आ जाने दे उसको आज। अम्मी को नहीं मरने दूंगा, अम्मी को नहीं मरने दूंगा, अम्मी को नहीं मरने दूंगा। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ, क्या हुआ मेरे लाल? अम्मी ले आई दवाई। अरे उस मुए ने दी ना। रुखसाना कहाँ है? रुखसाना कहाँ, अंदर घुस रही होगी रुखसाना था। अरे ओ रुखसाना, ओ रुखसाना बाहर आ। क्या हुआ अम्मी, ले आई कैप्सूल, क्या आफत आ गई? अरे तुझे आफत ही ना दिखाई दे रही, मेरा लौंडा दर्द से करा रहा, तू कह रही है क्या आफत आ गई? आप तो दवाई लेने गई थी, ले आई दवाई। अरे तू अपना आप ही दिखा के लिया, वो मुआ यूँ कह रहा था कि मैं मरीज को देख के ही दवा दूंगा। अम्मी क्या वो डॉक्टर जाने हमें? अरे हमें क्यों जानता, हमारी क्या उससे रिश्तेदारी है, मैंने तो उस मुए का घर भी आज ही देखा है। अम्मी फिर हम कैसे जाएंगे उसके यहाँ? क्यों, तेरे मुंह में जुबान ना है, किसी से पूछती भी चली जाइयो। ठीक है अम्मी, जा रहे हैं, चलो शेख जी। आराम से लेके जाइए मेरे लौंडे को। खड़ा करिए। हाँ पकड़ के। हाँ मेरा बच्चा, मेरा लाल, आराम से ले जाइयो। ठीक है अम्मी, ठीक है। डॉक्टर साहब, यही बताया था नहीं? मैं डॉक्टर साहब। आ जाओ, दरवाजा खुला है। खुला? मैं खुला था, बंद करके बैठा अंदर, डर रहा हमसे।
आराम से शेख जी, आराम से। हमें तो रास्ता की पता नहीं, पूछते आए आखिर हमें आना ही पड़ा। क्यों रुक जा रहा, हमारे बगैर काम चला नहीं, आखिर हमें आना ही पड़ा। हाँ शेख जी हाँ। भाई डॉक्टर साहब इधर उठा रहे, ऐसा बैठूंगा तेरे सिर पे। चल भाई चल, बाद में। हाँ जल्दी बाद में आइए। रुक जा रहा, बैठा दे साइड में, बैठा दे। शेख जी तसल्ली रखो शेख जी। क्या आना पड़ा? ये वही तो ना जिसे रूबी बता रही थी, जिसने रूबी को छेड़ा था। इसने कच्छा भी पहन रखा है और दाढ़ी भी है और सर पे टोपी भी पहन रखी है। रूबी कह रही थी, वो घराने को कह रहा था, इससे ही पूछता हूँ। क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो डॉक्टर साहब? अच्छा तू एक बात बता, तू मेरी बीवी से मिला था? ओवे, इसकी बीवी को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, फिर मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं सच बोला तो अम्मी मर जाएगी, इसलिए झूठ बोलना चाहे कुछ भी हो जाओ। हाँ, भाई साहब सही कह रहे हो। अच्छा तो तूने उसका हाथ पकड़ के बदतमीजी की थी? कब की थी, लेकिन मुझे तो झूठ बोलना, कह देता हूँ। हाँ, मिली थी साली भर का दिखा रही थी। अच्छा फिर तूने उससे कहा था तू मेरी डार्लिंग है, तू मेरी महबूबा है, कहा था? हाँ, तो बिल्कुल ठीक बोल रहे डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। शेख जी ये क्या कह रहे हो तुम, बात तो चुप रहा। फिर तूने उससे कहा चल तेरे घर तक आ रहा हूँ और तू हमारे घर आ भी गया? हाँ हाँ जो मैंने कह दिया वो सही कह दिया, तू का धार ले। अच्छा धार तो तुझे मैं दूंगा हराम जादे। मुल्ला के बच्चे दूसरों की आती जाती बीवियों को छेड़ता है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी इतनी सुंदर बीवी है, दूसरों की बीवियों पे बुरी नजर डालता है। आप क्या करते हैं, देख लो तुम्हारे सामने छेड़ने को कह रहा, इसमें हमारी क्या गलती है? तुम अपने घर जाओ। शेख जी तुम ये बदतमीजी नहीं छोड़ोगे क्या? नहीं छोड़ोगे भाईजान, इन्हें और ठोको। क्या कैसा ठुकवा दिया कम्बाकर? ये वही बदतमीज है जिसने तुम्हें छेड़ा था। नहीं जी ये तो वो नहीं है, इस बेचारे को तो मैंने देखा भी आज ही है, अभी देखा है, वो तो कोई बेशरम लफंगा था, आपने इसे क्यों पीट दिया? ये क्या कह रही हो रूबी? भाई मुल्ला जी हमें माफ कर दो, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती आपकी नहीं डॉक्टर साहब, गलती तो इनकी है जो आपके हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, हम तो बस आपके पास दवा लेने आए थे। ठीक है भाई जान, चलो दवाई दुकान पे से दूंगा। उठा भी नहीं जा रहा, इतना पीट दिया दुकान पे, देगा दवाई कमूंगा क्या, दवाई भी नहीं दे रहा तू। उस हरामजादे के चक्कर में बेचारा ये पीट गया। मारू तारा तारा मरवा दिया मुझे कब, आराम से शेख जी। मरवा दिया अम्मी, रुखसाना ने पिटवा दिया मुझे। अरे तू एक बात तो बता, तू इसकी दवाई दिलवाने गई थी, इसके हट तुड़वाने गई थी? मैं क्यों हट तुड़वाती, ये तो तुम्हारा पूत ही है सर जो ऐसे कर्म करते फिरे। क्या कर दिया मेरे पूत ने? अरे बताता क्यों ना आराम जादे हैं, ऐसे सफाई कर अपनी बहू से। ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ इनकी करतूत। रास्ते में डॉक्टर की बीवी का हाथ पकड़ के बोले मेरी डार्लिंग मेरी महबूबा मैं आ रहा हूँ तेरे घर, कौन सहन करेगा इनकी ये हरकत, पिटाई तो होनी ही थी। अरे चुप कर बेहाया बेशरम, चुप हो जा, तूने देखा था इसे? मुझे देखने की क्या जरूरत थी, जब पीट रहे थे तो उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे। अजी सुना, बस यही सुनने को बाकी रह गया था। अबे क्या हो गया तुझे, अबे मारी भी काया तुड़वा दी और अपनी भी काया तुड़वा दी, मारी तो कुछ समझ में आया है?
अबे सुबह से तुमने रोटी भी खाई या नहीं खाई? जा रोटी खा ले जाके। ओबे भूख तो मुझे लग रही है, मगर मुझे तो झूठ बोलना वरना मैं मर जाएगी। मजा नहीं खानी, मजा नहीं है भूख। ना खाना तो अंदर घर में जाओ, चलो। हैं? अंदर नहीं लेटना, मुझे बाहर जाना। हाँ हाँ तो घूमो बाहर जाकर, अभी भी चैन नहीं इतना पिट के। चल रहा हूँ तब, बाहर निकल जाएगा अबू, मरवा दिया अबू। बाहर टहर के कुछ आराम तो कर लूंगा। चोर 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 पकड़ो, चोर 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 पकड़ो, चोर 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 पकड़ो, चोर 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 पकड़ो, चोर चोर चक्कू मार दूंगा। नहीं नहीं चक्कू मारेगा, चक्कू मारेगा, चोर नहीं चक्कू मारेगा, मैं चोर नहीं हूं। इसे पकड़ के बहुत बड़ा एहसान करा, वरना ये तो भाग निकला था। भाग निकला, भाग कैसे था साले? भाग कैसे, भाग कैसे था साले? चल हेलो, कहाँ से? साईं बाबा थाने से। ठीक है जनाब, ठीक है मैं पहुँचता हूँ। ओके इंस्पेक्टर उत्तम। दीवान जी, दीवान जी हमने चोर पकड़ा। दीवान जी, ऐसा चोर तुम्हें दीवान जी दिखता है? कौन सा चोर? वैसे जो क्या दीवान क्या, मुझे तो पुलिस वाले सब एक से चमके हैं, यही है चोर। उत्तम इंस्पेक्टर साहब, यहाँ ये उत्तम कुमार। यस सर। देखो इनकी खबर लीजिए और शाम को मुझे ये रिपोर्ट 100% चाहिए। ठीक है समझे? ठीक है सर। मैं दूसरी जगह दौरे पे जा रहा हूँ। जय हिंद सर। हाँ तो किसने पकड़ा चोर? हमसे तो भाग गया चोर, ये तो भलाओ मुल्ला जी का, इन्होंने पकड़ लिया। हाँ मुल्ला जी, कौन है चोर? सारा वाक्य बताओ। ओबे मुझे तो झूठ बोलना, अपनी अम्मी को बचाना, अगर मैं सच बोला तो अम्मी मर जाएगी। हाँ सारे का डॉक्टर का नाम ले देता हूँ, इनने सारे ने मुझे बहुत मारा अपने घर पे। बोलो मुल्ला जी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये साला भागा जा रहा था, मैंने इसे रोका। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने इससे कहा तूने क्या चुराया? बोल, कह रहा पैसे चुराए ये रखे जी। मुझे बहुत मारा अपने घर पे। बोलो मुल्ला जी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये साला भागा जा रहा था, मैंने इसे रोका। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने इससे कहा तूने क्या चुराया? बोल, कह रहा पैसे चुराए ये रखे जी। मैं पैसे आगे क्या हुआ? आगे क्या, मैंने इससे कहा पैसे निकाल, निकाल पैसे निकाल। आगे क्या हुआ? फिर मेरे से बोला मुझे छोड़ दे वरना चाकू मार दूंगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता, बस सब लोग आ गए और पकड़ के आ लिया। अच्छा साला पैसे चुरा रहा और चाकू मारने की धमकी दे रहा, अभी बनाऊंगा तेरा हीरा। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। हाँ तो किसके थे पैसे? इंस्पेक्टर साहब पैसे तो मेरे थे, मुझे मिल गए, पर ये तो मेरा पड़ोसी है डॉक्टर साहब। पड़ोसी है डॉक्टर? पड़ोसी होकर चोरी करता है, 2 दिन रिमांड पे रह रही, अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम सब लोग अपने घर जाओ। साहब मैं चोर नहीं हूँ। चोर ना तो है, डॉक्टर बता रहा और कर चोरी रहा।